हफ्ता मांगकर मकान मालिक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले किराएदार के खिलाफ जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कस्तूरबा नगर निवासी मुकेश कुमार रिजवानी से आरोपी ने 2 कमरे किराए पर मांगे थे, लेकिन किराया मांगने पर ही किराएदार आरोपी मकान मालिक को ही धमकी दे रहा था। मकान मालिक ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया है। मैं मुकेश कुमार रिजवानी राजा से नामोहन सेठिया का बेटा, मूलचंद नामोहन सेठिया, दोनों भाई मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं इन दोनों की वजह से परेशान होकर मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मेरे सुसाइड के जिम्मेदार वो दोनों भाई रहेंगे, जिनके नाम में मुझे सुसाइड लेटर होता है। मेरे मौत के जिम्मेदार वही है जो राजा नामोमल सेठिया मनीष मेडिकल के बाजू में धरने के मकान में रहता है, और मूलचंद नामोमल सेठिया नीलमल अपार्टमेंट सत्यम शिवम सुंदरम अपार्टमेंट के बाजू में रहता है, और सेठिया जोंग का माता मंदिर चलाता है। मेरे मौत के जिम्मेदार वो दोनों भाई हैं। मकान मालिक रेजवानी की नाश्ते की दुकान है। उन्हें 10 सितंबर 2019 को दुकान का मीटर जला हुआ नजर आया। रेजवानी ने सेतिया के बड़े भाई से इसकी शिकायत की। इसके बाद से आरोपी सेतिया रेजवानी से दुकान खाली करने के बदले में 10 लाख रुपए हफ्ता मांगने लगा। रेजवानी ने सेतिया को 60,000 रुपए दिए। इसके बाद भी सेतिया 4.5 लाख रुपए मांगे। सेतिया बंधुओं की करतूत से रेजवानी काफी समय से परेशान चल रहे थे। आखिरकार 6 अक्टूबर को रेजवानी ने फांसी लगाकर जान दे दी। उन्होंने सुसाइड नोट में सेतिया बंधुओं की यातनाओं से त्रस्त होकर खुदकुशी किए जाने का उल्लेख किया है। इसमें भी आरोपियों द्वारा प्रताड़ित करने का उल्लेख किया है। मेरा नाम रविशंकर रिजवानी है। मेरे भाई मुकेश रिजवानी मेरा बड़ा भाई है, जिनका ये फोटो है, और ये दोनों उनके आरोपी है। मेरे भाई ने जैसे आत्महत्या की है, सुसाइड लेटर में लिखा है कि ये मेरे दोनों भाई मेरे सुसाइड के जिम्मेवार है, और इनके नंबर लिखे हैं, और इनके वीडियोस भी बने हुए हैं, वीडियोस भी बना के गए हो, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरे सुसाइड के जिम्मेवार ये दोनों भाई है, और इन दोनों ने मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया था, और बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे थे, और बार बार पैसे की मांग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अपने आप को मार रहा हूँ। मेरी यही विनती है, सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, सरकार से यही विनती है कि हमारा सहयोग करें, और हमारी सिंधियो भाइयों से भी यही विनती है कि जैसे मूलचंद सेतिया का इनकम टैक्स ऑफिस में भी जान पहचान है, और राजा सेतिया भी जैसे गुंडागर्दी करता है, किसी को भी इन लोगों ने परेशान किया है, इनको इनकम टैक्स के नोटिस भिजवाए हैं, तो इन सब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे सामने आए और हमारा साथ दें। जैसे मेरा आज भाई गया है, उसी तरह आपका भाई नहीं जाना चाहिए। हमारा प्लीज़ सहयोग करें, और ये कापियाँ और ये वीडियोस मुख्य मंत्रालय और मंत्रालय में भी मेल की गई है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे भाई को इंसाफ दिया जाए। जिसने जैसे मेरे भाई ने सुसाइड किया है, अपने आप को फांसी लगाई है, तो मेरा वही कहना है इन दोनों को भी, इन दोनों भाइयों को भी फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा भाई गया है, कल को किसी और का भाई बेटा नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने सुसाइड किया है वो मेरे सबसे बड़े जेठ हैं। उनका नाम मुकेश श्रीचंद रिजवानी था, और ये जो घटना शुरू हुई थी, जब से हमने गंगू ब्रोकर के बोलने पर उनके द्वारा ये किराएदार आए थे, जिसका नाम है राजा, उनका निकनेम है राजेश नामोमल सेतिया उनका नाम है, और ये गंगू ब्रोकर उनको लेकर आए थे हमारे पास कि इनको किराए से घर चाहिए, और हम लोग किराए से घर देने वाले थे। तो लेकिन मेरे भैया ने जैसे थोड़ी बहुत जांच करवाई थी, तो पता चला था कि ये जो राजा सेतिया है वो कुछ खास उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा था। तो उन्होंने कहा था कि जो उसके दो भाई हैं, एक का नाम है पालू सेतिया और दूसरे का नाम है मूलचंद सेतिया, मूलचंद नामोमल सेतिया। इन दोनों भाइयों में से अगर कोई एक गारंटी लेता है कि हाँ मेरे भाई को दो तो मैं दूंगा, तो मूलचंद जो सेतिया थे वो आए थे मेरे भाई के पास एडवांस के 15,000 रुपए लेकर, और उनके बोलने पर ही ये घर दिया गया था। और इसके बाद जब वो हमारे घर में आए थे 7 मई 2019 को रहने के लिए,
तो करीब 8-10 दिन के अंदर ही राजा सेतिया ने मेरे जेठ जी से 40,000 रुपये दस्ती के लिए थे, इस ये कह के कि मैं आपको 7 दिन में लौटाऊंगा। 7 दिन के बाद जब मेरे जेठ जी उनसे पैसे वापस मांगने गए तो वो टाल मटोल करने लगे कि हाँ देता हूँ, हाँ देता हूँ। जबकि उस समय सेतिया चौक स्थित हमारे दुकान का कंस्ट्रक्शन चालू था, तो यहाँ से बात शुरू होती है कि अब वो बार बार जाते थे कि हमको किराया, ये हमारा पैसा वापस दे दो, तो वो नहीं दे रहे थे। इस बात को होते होते एक महीना हो गया। एक महीने के बाद उनकी धर्मपत्नी सिमरन सेतिया वो हमारे घर में आई थी ऊपर, और पैसे दे के बोली ये लो आपके घर लक्ष्मी आई है, पहले महीने का किराया दिया। ये बात होने के बाद उसके बाद फिर जो मेरे जेठ जी हैं उनको राजा सेतिया को बोलते थे कि पैसे दो, मेरा काम रुका हुआ है, मेरे को भी काम में है, मैंने तुमको एज अ मदद करने के लिए दिए थे, तो अभी हमारे पास भी ऐसा नहीं कि मैंने जिस हिसाब से थी तो मुझे चाहिए। तो जो राजा सेतिया है अब धीरे धीरे मतलब गुस्से पे आ गए थे कि दे रहा हूँ, सिर क्यों खा रहे हो, मैं मना कर रहा हूँ क्या कि नहीं दूंगा। तो यहाँ से उन्होंने धीरे धीरे भैया को दबाना शुरू किया। ये बात बाद में खुली थी कि एक बार राजा सेतिया ने भैया को मारा भी था। पोलीस स्टेशन जरी पटका थे अपराध क्रमांक 643/21, 306, 384, 387, 504, 506 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। यामध्ये मृतक जो आहे मुकेश श्रीचंद रिजवानी, वय 46 वर्ष, हा कस्तुरबा नगरमध्ये राहणारा निवासी आहे। याच्या घरामध्ये भाडेकरू राहत होता 2019 पासून। आरोपीचं नाव आहे राजेश नामोमल सेतिया आणि मूलचंद नामोमल सेतिया, दोघे भाऊ आहेत। त्यापैकी राजेश हा जो आहे हा मृतकाच्या घरात भाड्याने 2019 पासून राहत होता आणि त्याने वेळोवेळी भाडं दिलं नाही, त्यामुळं मृतकाने त्याच्याकडे मागणी केलेली होती, परंतु उलट मृतकालाच धमक्या देऊन की तुला जीवे मारीन, घर खाली करणार नाही, त्याच्या दुकानात जाऊन त्याला त्रास दिलेला आहे आणि मृतकाकडेच पैशाची मागणी केलेली आहे। त्यावरून हा गुन्हा मृतकाने दिनांक 6/10 आत्महत्या केलेली आहे। आरोपी जे आहेत हे आरोपीपैकी आरोपी क्रमांक 1 जो आहे त्याच्यावर यापूर्वी एक अदखलपत्र गुन्हा दाखल आहे। आरोपीने तुला तुझी इन्कम टॅक्सकडे तक्रार करीन, नगरपालिकेकडे अवैध बँकांची तक्रार करीन, या प्रकारच्या धमक्या त्याला देऊन त्याला दहशतीत ठेवून त्याच्याकडनंच पैशाची मागणी केलेली आहे। 4.5 लाख रुपयाची मागणी त्याने केलेली आहे। 4/9 मृतक आणि भाडेकरू यांच्यामध्ये वादविवाद झाला होता, त्याबद्दल एक अदखलपात्र तक्रार दाखल आहे, त्यामध्ये आम्ही कारवाईसुद्धा केली होती। त्या दिवशीसुद्धा त्याच्यानंतरही मृतकाकडे आरोपींनी पैशाची मागणी केलेली आहे आणि धमकी, जीवे मारण्याची धमकी दिली होती, त्या कारणाने मृतकाने आत्महत्या केली। गळफास लावलेला आहे घराच्या वर, सगळ्यात 3 मजली घर आहे, वरच्या मजल्यावरच्या पत्र्याच्या शेडला दोरीने गळफास लावले। सुसाईड नोट आम्हाला मिळालेली आहे, ती जप्त केलेली आहे। सुसाईड नोटमध्येच या दोघांनी मला त्रास दिलेला आहे, माझी NMC कडे तक्रार केलेली आहे किंवा इन्कम टॅक्सकडे तक्रार केलेली आहे अशा, आणि मला आणि माझ्या कुटुंबाला त्रास देत आहे, अशा प्रकारची सुसाईड नोट मिळालेली आहे। आरोपीचा शोध चालू आहे, आरोपी अद्याप अटक नाही, परंतु लवकरच आम्ही त्यांना अटक करू।